ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाभीवा लूटूं। सारा जो वहां की रेलवे का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। जब कहते हैं कि जनता के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो घटती जा रही हैं, जो बोगीज हैं वो कम होते जा रही हैं, रिजर्व सीट पे अनरिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें चलती हैं निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए। लोग टॉयलेट्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके से इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या ये नहीं ग्लानी महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है। आज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपने खत्म कर दिया है, पैसेंजर फेयर आपने डायनामिक कर दिए हैं, तो कोई अगर लास्ट मिनट टिकट भी खरीदता है उसकी टिकट वुड बी एज एक्सपेंसिव एज अ रेलवे एयर फेयर। तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, आपने रोज ये डीरेलमेंट किया। फिर आप आएंगे वहां पर विजुअल्स लेंगे कि कहीं आप किसी की बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कभी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, कभी इंजन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जब हादसा हो चुका? फिर कहते हैं कार्रवाई करेंगे, फिर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करेंगे और फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कब तक देश की जनता ये सहेगी? कब तक देश की जनता प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखेगी कि प्रधानमंत्री जी आपकी कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी, इतनी सारे उनको पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू द रेलवे मिनिस्ट्री कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।